मथुरा में कोरोना केसों की बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह शहर के चोबियापाड़ा में 20 वर्षीय एक छात्र में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मथुरा में अब संक्रमितों की संख्या कुल 9 हो चुकी है। इससे पूर्व गुरुवार को भी शहर के लाल दरवाजा में एक संक्रमित की पुष्टि हुई थी। लगातार तीसरे दिन एक एक कर संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माथे पर चिंता के बल बढ़ते ही जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह ने छात्र के संक्रमित होने की पुष्टि की है। सीएमओ के अनुसार चोबियापाड़े के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। दरअसल चोबियापाड़ा निवासी छात्र कई दिनों से सर्दी जुकाम से पीड़ित था। 22 अप्रैल को संदेह होने पर वो खुद जिला अस्पताल कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए पहुंचा। इसके बाद उसने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। शुक्रवार को सुबह आई रिपोर्ट में उसमें संक्रमण की पुष्टि हो गई। उसके तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा लिया गया। उसके सर्जनों के जांच के सैंपल लेकर उन्हें क्वारंटाइन करा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित युवक की हिस्ट्री का पता लगा रही है कि वो किसके संपर्क में आकर संक्रमित हुआ और इसके बाद कहां कहां गया। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। अभी तक जिला मथुरा में हमने 637 लोगों का सैंपलिंग कराई है और इनमें से कुछ सैंपल दोबारा या तिवारा भी हुए हैं, तो टोटल जो सैंपल हुए हैं वो 695 हैं और 637 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इनमें से अभी तक हमें जो रिपोर्ट नहीं मिली है वो 196 सैंपल की अभी हमारी पेंडिंग रिपोर्ट है और अब तक आज तक 9 पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, जिसमें अभी एक नया पेशेंट जो मिला है वो अनुराग चतुर्वेदी हैं जो चौबिया पाड़ा के हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पैथ काइंड से कराई थी, जांच कराई थी। इनको बुखार और खांसी हुई तो इन्होंने महसूस किया कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है और इन्होंने एक प्राइवेट लैब से अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट इनको रात में मिली। सुबह इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव हूँ कोरोना का और यहाँ मैं इस पर जिला अस्पताल पे आया हूँ, तो हमने इनको अलग से बैठने के लिए बोला और अपनी आरआर टीम को भेज करके इनको आइसोलेशन में भेज दिया है। जब इनसे ये जानना चाहा कि आपको कैसे ये महसूस हुआ कि आप जो ना पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने ये बुखार खांसी को बताया और हिस्ट्री में ये बताया कि मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाता हूँ और दूध लेने जाता हूँ, बाद बाकी मैं कहीं नहीं जाता हूँ और इस समय ये डैम्पी नगर की सब्जी मंडी में भी दूध लेने वो सब्जी लेने जाते रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.